हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शंस। ओके, तो कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन को क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ये हमें बच्चों को सिखाना रहता है। भाई बच्चे को कैसे सिखाएं इसे कि बच्चे अच्छी तरह से इसे समझ लें। ठीक है, बच्चे एक्चुअली कहीं कहीं UKG में ही स्टार्ट हो जाता है कंजक्शन, फिर 1-2 आगे बढ़ते जाता है। ओके, इसका लेवल भी हाई होता जाता है। बच्चों को एंड बट ये UKG या फिर 1 क्लास में ही इसे टच कराया जाता है, एंड बट और। ठीक है, और फिर बिकॉज। लेकिन मैं आज मैं आपको इन पांचों कंजक्शंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, कैसे वर्कशीट तैयार करके दीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा ठीक से। ओके, तो कंजक्शंस होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, जब दो सेंटेंस को मिलाकर, दो सेंटेंस या जब दो वर्ड भी मिलते हैं ना, और उनको जिस वर्ड से मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे देखिए पहले छोटे वर्ड को लेकर चलते हैं, जैसे बुक पेन। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं बुक एंड पेन। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है, पहले इस तरह से वर्ड देना है, छोटे छोटे वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बुक ले लिया, पेन ले लिया, तो बुक एंड पेन ये अटैच हो गए, दोनों इंक्लूड हो गए एक साथ। इसी तरह से आप चॉकलेट, चिप्स, चॉकलेट एंड चिप्स, इस तरह से दो दो वर्ड लिख करके दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा, बच्चों को कहिएगा इस तरह से एंड लगाने के लिए। उसके बाद जब ये बच्चे अच्छे से कर लें, समझ लें, उसके बाद आप इन बड़े सेंटेंस को आप दे सकते हैं। जैसे पहले हम एंड की बात कर रहे हैं कि एंड बच्चे कैसे लगाए, कहाँ पर लगाएं, कैसे वो समझे कि कहाँ पर एंड लगाना है, कहाँ बट लगाना है। तो जब जो सेंटेंस, दो सेंटेंस जब सिमिलर दिखे, ठीक है, एक ही तरह के लगे, स्टेटमेंट सिमिलर हो, तो उसमें एंड का यूज करते हैं। जैसे यू आर गुड बॉय, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया यू आर इंटेलिजेंट बॉय। तो दोनों में देखिए यू शामिल है। ठीक है, यू आर मतलब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तुम इंट लड़के हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो, तेज हो, उसे ये, उसके लिए इंटेलिजेंट का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब एंड लगाएंगे तो यू आर गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस ना लिख करके एक ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ड आ गए, तो यू आर गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। इसी तरह से रोहन इज रनिंग, उमंग इज रनिंग। ठीक है, रोहन इज रनिंग, ये पहला सेंटेंस हो गया, उमंग इज रनिंग, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो देखिए दोनों सेंटेंस सिमिलर है, रोहन दौड़ रहा है, उमंग दौड़ रहा है, दोनों सेंटेंस क्या है? सिमिलर है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रोहन एंड उमंग आर रनिंग। अब यहाँ आर क्यों लगा? क्योंकि दो आ गए, इसलिए यहाँ पर आर का यूज हो गया। तो बच्चों को ये भी साथ साथ बताते जाना है, तो दोनों ही दौड़ रहे हैं इसलिए सिमिलर है। जब आप बच्चों को उस तरह से समझा दें तो आप इस तरह से उनको करने के लिए दे सकते हैं। जैसे ललिता कैन सिंग, ललिता कैन डांस। ठीक है, तो इसका वो सेंटेंस बनाएंगे एंड का यूज करके, क्योंकि दोनों, जो दोनों सेंटेंस है वो एक ही लड़की के बारे में बोला जा रहा है। तो ललिता कैन सिंग एंड डांस, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चे। फिर आई हैव टू पेंस, आई हैव वन बुक, तो इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव टू पेन्स एंड वन बुक, तो यहाँ पर एंड का यूज हुआ। और जब सिमिलर सेंटेंस हो तब तो वहाँ एंड का यूज करेंगे, लेकिन जब अपोजिट हो, डिफरेंट स्टेटमेंट जब रखते हो दो सेंटेंसेस, तब वहाँ बट का यूज करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। फिर इसी तरह चिप्स चॉकलेट है, तो चिप्स एंड चॉकलेट। अब बट पर आते, बट का यूज बच्चों को कैसे समझाएं? जैसे देखिए मैंने दो सेंटेंस लिया है, नीरा इज रीडिंग, सीमा इज राइटिंग। अब इसी दो सेंटेंस को हम ज्वाइन करके लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे? इस तरह से, नीरा इज रीडिंग बट सीमा इज राइटिंग, क्योंकि दोनों की एक्टिविटी सेम तो है नहीं, दोनों का काम अलग अलग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे? नीरा इज रीडिंग, यहाँ पर बट का यूज करेंगे, बट सीमा इज राइटिंग। फिर अगेन दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू आर गुड बॉय, सेकंड यू डोंट स्टडी। ठीक है, इसमें कंजक्शन क्या यूज होगा? तब इसमें कंजक्शन यूज होगा यू आर गुड बॉय बट यू डोंट स्टडी, तुम अच्छे लड़के हो पर तुम पढ़ाई नहीं करते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बट का यूज लगाएंगे, बट का यूज करेंगे। ये हो गया आपको इस तरह से, अपोजिट जिसमें स्टेटमेंट हो तो सेंटेंस में, ठीक है, सिमिलर ना हो तो वहां बट का यूज करते हैं। जैसे देखिए
अगेन इस तरह से फिर बच्चों को आपको दे देना है बनाने के लिए। रीता इज शॉर्ट, नीता इज टॉल। तो यहाँ पर देखिए आप वैसे भी सेंटेंसेस दे सकते हैं जिसमें अपोजिट वर्ड को ध्यान में रखा गया हो, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने देखिए शॉर्ट ले लिया, टॉल ले लिया, हॉट ले लिया, कोल्ड ले लिया, तो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस दे सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रीता इज शॉर्ट बट नीता इज टॉल, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट स्टेटमेंट आ रहा है, सिमिलर नहीं है। उसी तरह मिल्क इज हॉट बट आइस इज कोल्ड, यहाँ पर बट का यूज होगा, इस तरह से आप दे सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर दूसरे कंजक्शन लिए हैं जैसे और में क्या होता है, चॉइस करना होता है आपको, ठीक है। डू यू वांट मिल्क और कॉफ़ी, मीन्स आप क्या चाहते हैं, मिल्क या फिर कॉफ़ी। तो इस तरह से आप और का चॉइस करने के लिए और का यूज़ होता है। ये दूसरा है बिकॉज, क्योंकि ये जब कोई रीज़न देना होता है ना, कोई कारण देना होता है, रीज़न देना होता है, तो बिकॉज का यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए बिकॉज का यूज़, ये तो रीज़न देने के लिए हो गया। सो का यूज़ करते हैं, सो का मतलब होता है इसलिए। ये जब कोई काम करते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट दिखाने के लिए सो का यूज़ करते हैं। एक काम हमने किया, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो दिखाने के लिए सो का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये और का एग्जांपल हो गया। देखिए डू यू लाइक मिल्क, अब देखिए आप बच्चों को इस तरह से भी दे सकते हैं, इसे बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहे कि आप बच्चों को किस तरह से दे सकते हैं वर्कशीट तैयार करके। तो जैसे और लगाना है, ठीक है, तो डू यू लाइक मिल्क, बट लगेगा या फिर और लगेगा, ये बच्चे टिक करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बच्चे टिक करेंगे। डू यू लाइक मिल्क बट बटर मिल्क या फिर और बटर मिल्क। तो जब चॉइस करना होता है तो वहाँ क्या यूज़ होगा, और का यूज़ होता है, यहाँ पर और पे टिक लगेगा, ठीक है। आप क्या पसंद करते हैं, मिल्क या फिर बटर मिल्क, तो यहाँ चॉइस है इसलिए और पे टिक लग गया। अब आई वाज लेट, मिस्ड द बस, तो आई वाज लेट बिकॉज आई मिस्ड द बस होगा, या फिर आई वाज लेट और आई मिस्ड द बस होगा। तो आई वॉज लेट में लेट थी क्योंकि बस मिस हो गया, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज में, क्योंकि रीज़न बता रहा है कि मैं लेट क्यों हुई, तो बस के मिस होने के कारण यहाँ पर बिकॉज पे टिक लगेगा। अब थर्ड है सो, ठीक है, अब थर्ड है सो, इसमें इफेक्ट दिखाने के लिए सो का यूज़ किया जाता है, एस ओ। तो आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वेंट टू स्लीप, यहाँ ई है, आई वेंट टू स्लीप, या फिर आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। तो मैंने कहा है कि सो को यूज़ होता है इफेक्ट दिखाने के लिए, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सोने चली गई, ठीक है, मैं थकी हुई थी क्योंकि मैं सोने गई, ये तो सही नहीं होता है, ये तो सही नहीं होगा, तो यहाँ पर सो का यूज़ होगा, मैं थकी हुई थी इसलिए सोने चली गई, तो ये सो पे टिक लग जाएगा। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है और इस तरह से कुछ कुछ सेंटेंसेस बना के दीजिए बच्चों को। फिर ये देखिए दूसरा एग्जांपल है, आई ईट लंच एट 2 PM, टुडे आई एट एट 3 PM, मीन्स मैं खाती हूँ, मैं लंच करती हूँ 2 बजे, टुडे मैंने किया 3 बजे, तो यहाँ पर बट का यूज़ होगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ खुद के बारे में कि मैं 2 बजे लंच करती हूँ, लेकिन आज मैंने 3 बजे लंच किया, तो लेकिन आया, बट मीन्स लेकिन और मगर यही यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट। ये और फिर देखिए एक आप इस तरह से भी दे सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स में लिख दीजिए ये सब, जिससे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, उन्हें बनाने में। उसके बाद फिर आप इस तरह से 5 वर्ड्स है, तो 5 सेंटेंसेस भी मैंने डाल दिए हैं। जैसे देखिए, नीना इज़ गुड एट इंग्लिश डैश साइंस, तो नीना के बारे में ही कहा जा रहा है, तो यहाँ पर एंड का यूज़ हो जाएगा, नीना इज़ गुड एट इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है, यहाँ बट का यूज़ तो नहीं करेंगे, सिमिलर है इसलिए, नीना के बारे में ही कहा जा रहा है, और वो अच्छी है इंग्लिश में और साइंस में। आई लव डॉग्स आई हेट, देखिए यहाँ पर एक अपोजिट वर्ड भी आ गया है, लव और हेट, तो इसे देख कर कहीं यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि बट का यूज़ होगा, तो आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स, ठीक है। डू यू वांट कॉफ़ी, यहाँ पर डबल ही होगा, डू यू वांट कॉफ़ी और टी, यहाँ चॉइस करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर और हो गया। फिर आई डिडंट गो आउटसाइड
इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ सेंटेंस को देखने ही से लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, मैं बाहर नहीं गया या फिर नहीं गई डैश इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, रवि इज इल डैश ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो रवि इज इल, रवि बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सो का यूज होगा, क्योंकि जो सेंटेंस का इफेक्ट जब दूसरे सेंटेंस पे पड़ता है तो वहाँ सो का यूज होता है। तो रवि इज इल सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपको देना है फ्रेंड्स वर्कशीट बना करके, ये हो गया, ये इस तरह से बच्चों को समझाइए पढ़ाइए, एंड बट और बिकॉज सो, ये सब इन सभी का यूज कहाँ करते हैं। वो सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही वो यूज करना सीख पाएंगे, इसलिए सेंटेंस को अच्छे से समझाना है। ओके पेरेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं ऐसे ही बच्चों के लिए वीडियोस लाते रहती हूँ पेरेंट्स, जिससे उन्हें देख करके समझा सके, अच्छे से पढ़ा सके अपने बच्चों को। 6 और 7 क्लास का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है मैथ सब्जेक्ट का, आप प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर करिएगा। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।